सबसे ज़्यादा कमेंट भुवनेश्वर बोर्ड वालों का आया था, तो ये लेक्चर भुवनेश्वर बोर्ड वालों के लिए है। ओके, 10 से 12 बोर्ड ऐसा है जिसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाकर के अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो। और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अगर ये आपका बोर्ड है और आप अपने बोर्ड से कितने स्टूडेंट को जानते हो, कितने अपने फ्रेंड को जानते हो, आप बोलोगे सर 10 15 20 25, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप कोई ग्रुप बनाते हो तो वहाँ पे आप 10 15 20 स्टूडेंट को ऐड करोगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेक्चर बनाए तो ये लेक्चर जो है सो एग्ज़ाम ख़त्म होते होते मान करके चलो 50,000 स्टूडेंट देखते हैं, जैसे कि इलाहाबाद बोर्ड वाला का 10,000 लोग देख चुके हैं। तो इससे क्या होगा, ये 50,000 लोग आपका एक ग्रुप में आ जाओगे, ग्रुप का नाम है RRB NTPC भुवनेश्वर बोर्ड, उस ग्रुप में आप सारे स्टूडेंट आ जाओगे। अभी आपका CBT 1 चल रहा है, फिर आपका CBT 2 चलेगा, फिर उसके बाद आपका साइको होगा, फिर उसके बाद आपका जो है सो DV होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, है ना। तो ये सारा प्रोसेस आपको अपने बोर्ड में करना है, आपको दूसरे बोर्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग जाने वाला है। अगर आप 75 बनाए हो और भुवनेश्वर बोर्ड से हो और आपका फ्रेंड 82 बनाया है और वो इलाहाबाद बोर्ड से है, तो कोई मीनिंग नहीं है इस बात का, ये अपना बोर्ड का जाने और आप अपना बोर्ड का जानो। इसीलिए आप सभी लोग अपने अपने बोर्ड में आकर के डिस्कशन करो, एक दूसरे से पूछो, पोलिंग करवाओ और पता करने का कोशिश करो कि किसका कितना नंबर आ रहा है, तो इससे भी आपको एक एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा। ओके, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार, बात करने जा रहा हूं रेलवे NTPC एग्जाम के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपका बोर्ड वाइज या जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर NTPC CBT 1। ओके, और इसमें जो है हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और आपका ये लेक्चर 15 मिनट के अप्रॉक्स का होगा, सारे बोर्ड का लेक्चर 15 मिनट के अप्रॉक्स का ही है, और इसमें हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे, और ये आपके कैरियर से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको स्किप मत करना, मन से देखना, और ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे जो है सो आपको पढ़ने में भी मन करेगा और कहीं ना कहीं आपको प्रिपेरेशन करने में भी एक बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो उसका कंप्लीट प्रिपेरेशन, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट के लिए अभी से लेकर के आपके ज्वाइनिंग तक। चलो अब यहाँ पे देखो, काफी स्टूडेंट जो हो सो कमेंट करते हो कि सर मुझे एक प्रॉब्लम है, आप बस मुझे ये बता दीजिए, काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि कट ऑफ जो है सो ऑल इंडिया वाइज आएगा या जोन वाइज आएगा। ये बात मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, आप लोग हो सकता है वो लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो आपका कट ऑफ जोन वाइज आएगा, ऑल इंडिया वाइज नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग जोन का अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग अप्लाइड कैंडिडेट है, तो अलग अलग कट ऑफ आएगा। उसके बाद आप लोग में से कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो है सो जोन वाइज आने वाला है मेरा कट ऑफ, लेकिन जोन वाइज आएगा या जोन प्लस पोस्ट वाइज आएगा। तो देखो आपका जोन प्लस पोस्ट जो है सो CBT 2 में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि CBT 3 भी है, जिसका CBT 3 है जैसे कि स्टेशन मास्टर में मान लो साइको है या टाइपिंग है किसी पोस्ट के लिए, तो वो सब हम लोग CBT 3 कहते हैं। तो जिसमें CBT 3 है उसमें 8 times का सिलेक्शन है, और जिसमें डायरेक्ट CBT 2 के बाद आपका ज्वाइनिंग है जैसे कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, ट्रैफिक अप्रेंटिस है, तो वो समय क्या होगा उसका कट ऑफ अलग बनेगा, और जिसमें 8 times का सिलेक्शन होगा उसका कट ऑफ अलग बनेगा। तो इसीलिए जो है सो CBT 2 में आपका जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ जाता है, बट यहाँ पे बात हो रहा है CBT 1 का, और 1.3 करोड़ अप्लाई किए हुए हो, 35,000 का जॉब लगने वाला है, 7 lakh का सिलेक्शन होगा, 7 lakh का CBT 1 में सिलेक्शन होगा, ये स्क्रीनिंग इन नेचर है। यहाँ पे बस रेलवे को जो है ना भीड़ को कम करना है, भीड़ को कम करना है, ये 1.3 करोड़ से उसको 7 lakh पे लाना है, तो यहाँ पे वो कट ऑफ जो है सो इस तरह से रखेगा डायरेक्ट एक CBT 1 का। ठीक है, जो क्वालिफाई करोगे वो CBT 2 का एग्जाम दोगे, लेकिन हाँ कैटेगरी वाइज आएगा, आपका UR का अलग आएगा, OBC का अलग आएगा, SC ST का अलग आएगा। ठीक है, ये आपको पता चला कि आपका जोन वाइज आने वाला है, जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज नहीं आएगा। इसके बाद कुछ लोग या फीमेल कैंडिडेट लोग कमेंट करती है कि सर फीमेल का कट ऑफ बताइए, तो देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, यहाँ मेल और फीमेल नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट में फीमेल का अलग से वैकेंसी आता है, अलग से रिजर्वेशन होता है, तो वहाँ पे अलग से कट ऑफ जाता है। यहाँ पे आप रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलो, वहाँ पे वैकेंसी टेबल देखो, फीमेल के लिए कहीं से भी कोई अलग से वैकेंसी
नहीं है, इसीलिए जो कट ऑफ मेल का जाएगा वही कट ऑफ फीमेल का जाएगा। क्लियर है? अब कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ एक ही रहेगा या अलग अलग, तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस का लेक्चर जो है सो आपका इसी चैनल पे आएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखना तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप भूले भटके इस चैनल पे आ चुके हो और सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो आपको अगला लेक्चर पता भी नहीं चलेगा कि कब आया और नहीं आया, इसीलिए बोला जाता है सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग भुवनेश्वर बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये 2015-16 का वैकेंसी है। जैसे आप लोग प्रिपेरेशन करते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देखते हो ना, उसी तरह से जो है सो प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखा जाता है और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। बहुत सारा चीज जो है सो आपके कट ऑफ को डिसाइड करता है, बहुत सारा चीज, सिर्फ एक चीज पे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। जैसे कि आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आप देखते होंगे, आपका शिफ्ट का लेवल, आपके शिफ्ट का टॉपर का स्कोर, आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर, आपके शिफ्ट में आपका स्कोर है ना, आपका शिफ्ट का लेवल जो इजी है या हार्ड है, यहाँ से लेकर के आपने किस जोन से अप्लाई किया हुआ है, उस जोन में वैकेंसी कितना है, उस जोन में अप्लाइड कैंडिडेट कितना है ना, सब कुछ पे डिपेंड करता है। और एक लेक्चर आपका इस पे भी आएगा। काफी लोग कमेंट करोगे सर ये बता दीजिए कि किस जोन से कितने लोगों ने अप्लाई किया है और एक सीट पे कितना कॉम्पिटिशन है, तो ये लेक्चर भी आपका इस चैनल पे आएगा। आप लोग जो भी कमेंट करते हो वो सारा लेक्चर इस चैनल पे आता है। क्लियर है? तो देखो पहले हम लोग 2015-16 के बारे में बात करते हैं। जब आपका वैकेंसी आया था ना तो 770 सीट था, बट हुआ क्या था ना, आपका जब CBT-2 का एग्जाम हो गया था उस टाइम पे भी CBT-1 और CBT-2 दोनों एग्जाम था, तो वहाँ पे 69 सीट को कम कर दिया गया था। लेकिन ये आपका CBT-2 के बाद किया गया था और CBT-1 का जो कट ऑफ आया था वो आपका इसी पोस्ट के लिए आया था और उस टाइम पे 15 गुना का सिलेक्शन था, अभी आपका 20 गुना का सिलेक्शन है, तो ये भी एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, तो इतना चीज आपको पता चला। तो 770 को 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो भुवनेश्वर बोर्ड से जो है सो इतने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, 11551 को इतने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और जब 11551 को शॉर्टलिस्ट किया गया था उस टाइम पे 2015-16 में, तो कट ऑफ कितना गया था ये देखो, तो आपका कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी से 72 के आसपास और ओबीसी से आपका गया था 65.76 के आसपास, मतलब 6 नंबर का डिफरेंस देख सकते हो। एससी का देखो कितना कम गया था, 53 के आसपास, एसटी का देखो आपका 48 के आसपास, तो ये आपका कट ऑफ था। अब यहाँ पे भी एक दो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। आप लोग ये मत समझना कि बाप रे 72 आना पड़ेगा, ये 72 नॉर्मलाइज स्कोर है, हो सकता है जिसका 64 आया होगा उसका 72 हो गया होगा, ओके। और नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो आउट ऑफ 100 ही कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर CBT-1 का है ये और CBT-1 आपका 100 मार्क्स का होता है, बट CBT-2 जो है वो आपका जो है सो आपका 120 मार्क्स का होता है। तो मेरा जो ये कट ऑफ है, ये सारा जैसे कि कमर्शियल अप्रेंटिस देखो यहाँ पे भुवनेश्वर बोर्ड का जनरल कैटेगरी को 85 पे मिला हुआ है ना, तो ये तो 120 पे है ना, तो जी नहीं, ये 120 पे नहीं है, ये भी आपका आउट ऑफ 100 ही है, ये भी आपका आउट ऑफ 100 ही है। अगर 120 रहता तो खुद देखो ना यहाँ पे कहीं पे आपको 100 प्लस स्कोर दिख रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं, तो ये सारा आपका 100 पे कैलकुलेटेड होता है ना, मतलब हो सकता है किसी का 102 नंबर आया होगा 120 में, तो उसका कन्वर्जन 100 में किया गया है, तो उसका जो है 85 point something आया है। ये आपको समझ में आया? तो दिस इज नॉर्मलाइज्ड स्कोर और कैलकुलेटेड कितना पे है, 100 पे है, तो ये आपको पता चला। मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा वो आपको जो है सो आपको रॉ मार्क्स बताऊंगा, ये आपको क्लियर हुआ। एक चीज आप लोग और नोटिस करो कि यहाँ पे जो है सो कट ऑफ CBT-1 का आपका गया था 72, बट कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो है वो मिल रहा है 85 पे, मतलब 72 100 में 72 ला रहे हो तो आप CBT-1 पास कर जा रहे हो, बट आपको कॉमर्शियल अप्रेंटिस मिलता है 85 पे। अब आप देखो कि कितना ज़्यादा, मतलब ये 13 नंबर का डिफरेंस है, कितना कंपटीशन टफ हो जा रहा है। ये जो आप 1.3 करोड़ देख रहे हो ये सिर्फ भीड़ है, पढ़ने वाले लोग 10 से 15 लाख हैं, और इसका जो CBT-1 का रिजल्ट आएगा तो 7 लाख का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 35,000 के आसपास सीट है, गुना 20 करोगे क्योंकि 20 टाइम्स का सिलेक्शन है, तो 7 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा। और ये 7 लाख लोग जैसे पूरा का पूरा क्रीम स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसको भी याद रखना। और इस 7 लाख में अगर आप आ जाते हो तो ये
सारा इंटेलिजेंट है और इसमें से आपको 35,000 में आना है जॉब लेने के लिए। और आप देख रहे हो कि कंपटीशन कितना टफ हो जा रहा है, यहाँ पे 72 से डायरेक्ट 85। और अगर आप लोग चाहते हो कि साइको का प्रिपरेशन ना करना पड़े, मुझे डायरेक्ट कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड या ऐसा पोस्ट मिल जाए जिसमें डायरेक्ट CBT2 के बाद ही ज्वाइनिंग हो जाए, है ना, क्योंकि ये सारा पोस्ट वो सबसे अच्छा है, और नहीं तो फिर आप साइको दो और स्टेशन मास्टर वगैरह बनो, टाइपिंग दो, उसका क्लर्क वगैरह वाला जो पोस्ट है वो करो। मतलब सब मिला के रिजल्ट ये निकलता है कि कंपटीशन काफ़ी टफ है। और हमेशा एक बात याद रखना, CBT2 निकालोगे, CBT1 निकालने के बाद CBT2 निकालोगे, जॉब लगेगा, CBT2 नहीं निकाल पाओगे, जिंदगी भर रोना आएगा, ऐसा लगेगा किसी ने लॉलीपॉप दिखा करके लॉलीपॉप ले लिया है वापस। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिसका भी CBT1 निकल जाएगा, CBT2 का प्रिपरेशन काफ़ी सीरियसली स्टार्ट करना। अब यहाँ पे देखो, मैं हूँ आपका रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और बात कर रहे हैं भुवनेश्वर बोर्ड के बारे में। तो इस बार हम लोग वैकेंसी टेबल देख लेते हैं। आपका 231 सीट है UR कैटेगरी से, SSC से 69 है, ST से 35 है, OBC से 110 है, EWS से 53 है, टोटल 498 है और एक्स सर्विसमैन का आपका 85 है ना। 2015-16 में जो है सो आपको 92 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था, और आपका जो है सो 2020-21 में जो है सो आपका जो है सो 1.3 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था। उस समय जो है सो 700 समथिंग सीट था और यहाँ पे आपका 498, मतलब सीट आपका कम है और एप्लीकेंट आपका ज़्यादा है। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि भुवनेश्वर बोर्ड में आपका जो है सो कंपटीशन टफ है, कंपटीशन टफ है। तो अब मैं आपको जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने भुवनेश्वर बोर्ड अप्लाई किया हुआ है, तो आपको कम से कम 65+ के आसपास रॉ मार्क्स लाना पड़ेगा। रॉ मार्क्स, ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये रॉ है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने भुवनेश्वर बोर्ड अप्लाई किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कम से कम 63+ लाना पड़ेगा। प्लस मतलब एक दो नंबर आप प्लस लेकर के चलना, ओके। अगर आप SSC कैटेगरी से हो, अगर आप SSC कैटेगरी से हो तो कम से कम 60+, और अगर आप ST कैटेगरी से हो कम से कम 58+। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है ये जनरल कैटेगरी का ही रिजर्वेशन है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी आप इसे 64+ का टारगेट रखना, और एक्स सर्विसमैन वाले हो तो 45+ का टारगेट रखना। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो, ये कट ऑफ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। हमेशा याद रखना, कुछ डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड और एग्जैक्ट में। एग्जैक्ट आपको दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ रेलवे का जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो ही आपको पता चलेगा। हम लोग एक्सपेक्टेड बताते हैं। एक्सपेक्टेड मीन्स व्हाट, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, है ना, सारा एनालिसिस करने के बाद। और ये इसीलिए बताया जाता है ताकि जिसका एग्जाम नहीं हुआ है उसको पता चल सके कि इतना के आसपास जाने वाला है, तो हम लोग इससे ज़्यादा स्कोर करने का टारगेट करेंगे। और जिसका एग्जाम हो चुका है और आपको जो है सो इतना नंबर आ रहा है, आप लोग CBT2 का प्रिपेरेशन अभी से स्टार्ट करो। कट ऑफ आने का वेट मत करना, नहीं तो 3 महीना जो है ना आप लोग बर्बाद कर दोगे। और पैरेलल वे में ग्रुप डी का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जिसका कम नंबर आ रहा है, मान लो आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका 46 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो आप लोग ये मान करके चलो कि आपका CBT1 नहीं होगा, इसीलिए आपको जो है सो दिल को दिलासा नहीं देना है, आपको ग्रुप डी का प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करना है। लेकिन हाँ, भगवान से दुआ करो कि कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ वो गलत हो जाए और कट ऑफ इससे भी कम चला जाए। इससे कम चला जाएगा तो आपका हो जाएगा, और आपका हो जाएगा तो आप CBT2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे जी जान लगा करके, ठीक है। जिसका एग्जाम नहीं हुआ, +3 ऐड करो, टारगेट बनाओ और अच्छे से सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करो। इस चैनल पे 28 तारीख से लेकर के 28 दिसंबर से लेकर के जितना भी आपका एग्जाम अभी तक हो चुका है उसका सारा लेक्चर अब आना स्टार्ट होगा आपका। खास करके मैं फोकस करूंगा जनरल साइंस और कंप्यूटर पे, क्योंकि ये दोनों मिला करके जो है जो 15+ क्वेश्चंस आ रहा है 40 में। और जिस हिसाब से आप मेरा देख लेना, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेना, मैं जो जनरल साइंस और कंप्यूटर आपको पढ़ाऊंगा, हर एक स्टूडेंट जो इस चैनल को फॉलो करेगा 15 मार्क्स का जो आपका जनरल साइंस और कंप्यूटर मिला करके पूछेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप बना के आओगे, इसका फुल गारंटी है। कंडीशन अप्लाइड, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां पे डाउनलोड करो और जाओ और CBT2 का प्रिपेरेशन या ग्रुप डी का कंप्लीट प्रिपेरेशन या रेलवे का कंप्लीट प्रिपेरेशन किसी भी जॉब के लिए, टेस्ट सीरीज, मल्टीपल अटेम्प्ट, PDF,
वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ पे आ जाओ और वहाँ पे सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि 7000 से प्लस स्टूडेंट जो है सो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।